हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसके एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आजकल क्या है न्यूज और जो यूट्यूब है उस पर क्या है, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है। जो हमारे एक टीचर है खान सर, ठीक है, मैं उनका काफी सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो क्या है, भारत में उन्होंने एजुकेशन की एक क्रांति लाई है। जो मुद्दा चला हुआ है दोस्तों, आज उस पर बात करते हैं। देखो दोस्तों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुद्दा क्या है। मुद्दा हाल फिलहाल में ये है कि जो खान सर हैं उनका असली नाम बताया गया है अमित कुमार, लेकिन उन्होंने खान सर क्यों रखा हुआ है, ये है मुद्दा। ठीक है, देखो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये कुछ भी मुद्दा नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत मामला है और एक टीचर का कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, जैसा कि उन्होंने क्या है इंटरनेट पर क्रांति लाई है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है वो अपने विषय को समझाते हैं, ऐसे ऐसे विषय समझाते हैं कि बच्चे उनकी 30 मिनट की 40 मिनट की वीडियो क्या है पूरी पूरी देखते हैं। और उन्होंने क्या है समाज के अंदर एक क्रांति लाने का काम किया है, बहुत सारे बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे शिक्षक के ऊपर क्या है न्यूज चैनल वाले और जो ये यूट्यूबर हैं छोटे मोटे व्यू पाने के लिए क्या है, पैसे कमाने के लिए क्या है, कुछ भी वीडियो बना देते हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। लेकिन एज ए टीचर, मैं भी एक टीचर हूं दोस्तों, और क्या है मैं उनके फेवर में हूं, मैं उनको पूरा सपोर्ट करता हूं कि वो क्या है बहुत अच्छे इंसान है। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, क्या फर्क पड़ेगा अगर एक टीचर से हम ये पूछेंगे तो क्या समाज के अंदर क्या एक वो छोड़ रहे हैं बात। ठीक है, समाज के अंदर हम क्या सिखा रहे हैं, एक टीचर से ये जब हम पूछेंगे कि आप हिंदू है या मुस्लिम है, एक टीचर किसी से ये नहीं पूछता किसी बच्चे से, भाई तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तो हम एक टीचर से क्यों पूछे भाई, वो उसका व्यक्तिगत मामला है। और खान सर के साथ हम पूरे सहयोग के साथ हैं, एक इमेज बहुत वायरल हो रही है जिसमें खान सर क्या है सरस्वती माँ की पूजा और रक्षाबंधन का त्यौहार, क्यों भाई, मुसलमान अगर कोई टीचर है या कोई व्यक्ति है तो उसको रक्षाबंधन नहीं मना सकता, वो मना सकता है, उसको सभी धर्म क्या है सभी त्यौहार मनाने का पूरा अधिकार है। और मैं आपको बता देता हूं, जो वो पिक्चर वायरल हो रही है उसमें खान सर ने क्या है जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है, वो अपने सभी छात्रा हैं जो जिनको वो पढ़ाते हैं उनके साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे थे। ठीक है, और एक और है जिसमें वो सरस्वती पूजा कर रहे हैं, एक और पिक्चर वायरल हो रही है, तो वो क्या है सरस्वती पूजा उन्होंने अपनी जो कोचिंग क्लासेज है उसके उद्घाटन के लिए की थी। तो ऐसे टीचर को क्यों बदनाम कर रहे हो, मान लिया कि वो मुसलमान है या हिंदू है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ठीक है, अगर वो मुसलमान भी है तब भी उनका ये व्यक्तिगत मामला है, चाहे वो कुछ भी करे। ठीक है, तो इसमें किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, एज ए टीचर मैं उनको पूरा सपोर्ट कर रहा हूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और भारत का हर एक छात्र हर एक स्टूडेंट उनके साथ है और पूरा भारत उनके साथ है। ये दो एक दो आदमी हैं या जो न्यूज चैनल वाले हैं जो ये फायदा उठा रहे हैं, इनके कहने से कुछ नहीं होगा, ना ही इनके बहकावे में कोई आने वाला। ठीक है, क्योंकि खान सर के व्यक्तित्व से उनकी पर्सनैलिटी से जो वो अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं उनसे सभी प्रभावित हैं, उनको सभी जानते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि उनकी इमेज को खराब ना किया जाए, आप अपनी इमेज को खराब कर लोगे उनकी इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है। मैं दोबारा से आपको कहना चाहूंगा कि खान सर को क्या है पूरा सपोर्ट करो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एज ए टीचर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनको सपोर्ट करते रहना चाहिए। ठीक है, ऐसी ऐसी वीडियो मैं आपके लिए, जो ये मुद्दा था मैंने व्यू पाने के लिए नहीं किया है, ना ही मैंने क्या है भाई कोई ऐसे ही बनाया है, लेकिन मैं एज ए टीचर ये चाहता था कि भाई मुझे भी क्या है इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए और क्या है थोड़ा बहुत मतलब उनके बारे में बोलना चाहिए। तो जय हिंद, अगली वीडियो में मिलते हैं।